मित्रों, ये हम रामेश्वरम के धनुष कोई एक जगह है, बहुत ही फेमस जगह है, मैं वहीं पर हूँ। और ये आप देख सकते हैं, ये एक अशोक स्तंभ है। यहाँ के बाद भारत यहाँ से समाप्त हो जाता है और इसके बाद श्रीलंका स्टार्ट हो जाता है। और आप ये देखिए, बहुत ही शानदार आपको समुद्र का नज़ारा आपको नज़र आएगा। ये भारत और श्रीलंका के बॉर्डर पर है। अब अद्भुत नज़ारा आपको हम दिखाने जा रहे हैं, आप देखिए और इंजॉय कीजिए। ये समुद्र है, ये भारत और श्रीलंका के बिल्कुल बिल्कुल बॉर्डर है। और ये समुद्र ही समुद्र, लहर ही लहर है। और यहाँ पर एक कोस्ट एरिया है जो 1964 में साइक्लोन आया था, पूरा गांव ही उजड़ गया था। और वहाँ पर रेलवे स्टेशन था जो कि चेन्नई से गाड़ी आती थी, फिर शिप के द्वारा श्रीलंका जाते थे, इसी महासागर के द्वारा श्रीलंका जाते थे। वो गांव पूरा उजड़ गया वो साइक्लोन के बाद, फिर कभी बसा नहीं। और ये आप देखिए समुद्र का नज़ारा। और ये धनुषकोडी जगह है, धनुषकोडी ये रामेश्वरम से सटे है। ये अशोक स्तंभ इस बात का गवाह है कि ये एक लैंडमार्क है। यहाँ के बाद श्रीलंका स्टार्ट हो जाता है, सालों भर यहाँ विजिटर आते हैं। और इससे सटे जो घोस्ट एरिया गांव है उसको देखते हैं और इसे देखने के लिए आते हैं। ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा आपको नज़र आ रहा होगा। भारत और श्रीलंका के बॉर्डर पर है और काफ़ी विजिटर की भीड़ है यहाँ पर, बहुत विजिटर हैं यहाँ पर, लोग आए हैं, हम भी आए हुए हैं। और ये देखिए महासागर, वहाँ दूर में देखिए जहाज, वो श्रीलंका है, उधर साइड में श्रीलंका है, ये भारत का बॉर्डर है। और ये अशोक स्तंभ आपको मैंने दिखलाया, ये देखिए। और ये देखिए महासागर, महासागर इसका पानी का रंग आप देखेंगे ना, बिल्कुल ब्लूइश है, गजब का है। तो ये नज़ारा है, रामेश्वरम से सटे धनुषकोडी एक जगह है जहाँ का एक ऐतिहासिक महत्व है। और यहाँ कभी गांव बसा करता था, वो गांव उजड़ गया वो 1964 में। आप रामेश्वरम से, आप टैक्सी से, बस से, किसी भी माध्यम से आप यहाँ पहुँच सकते हैं।